दोस्तों, अगर आप शेयर बाजार में नए हैं या शेयर बाजार आप सीखना चाहते हैं या इंट्राडे में आप अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, अगर आपके पास कोई पैसा है जैसे 1,000 रुपया अगर आपके पास है और इसे लगाकर आप रोज का 5% निकालना चाहते हैं, यानी कि 5% डिवाइडेड इंटू 100 50 रुपए कमाना चाहते हैं, या फिर अगर आपके पास 10,000 रुपया है तो इसे लगाकर आप डेली बेसिस पे 50 से 1 घंटे में, 2 घंटे में, 30 मिनट में, 15 मिनट में 500 रुपया कमाना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ बने रहिए। आज मैं आपके साथ स्ट्रेटेजी ऐसी शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे प्रूफ दिखाता हूं। देखिए, मेरे पास जो कैपिटल थी वो 3734 रुपए थी और यहाँ पे आप देखेंगे मुझे 180 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। मैंने ये लाइव वीडियो में आप लोगों को दिखाया भी है। चलिए मैं चैनल पे ले चलता हूँ आपको, मिस्टर साजन लाइव प्रॉफिट जो हमारा चैनल है वहां पे मैं सर्च करूंगा, आप भी गूगल में ऐसे सर्च कर सकते हैं। और ये जो वीडियो आप अपने सामने देख रहे हैं 180 वाली, अगर आप इस चैनल पे जाएंगे यहाँ पे तो आपको आराम से हमारे चैनल पे देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ वीडियोस में जाके, तो आपको यहाँ पे जो है ये लाइव वीडियो दिख जाएगी। अगर किसी को देखना होगा देख सकते हैं। तो अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये 180 रुपीज जो मैंने अपनी कैपिटल के 5% कमाए वो कैसे कमाए। तो दोस्तों, मैंने आज दो इंडिकेटर यूज किए और कुछ हिस्टोरिकल बेसिस पे मैंने देखा और मैंने वो इंडिकेटर पे ट्रस्ट किया और प्रॉफिट कमा लिया। आप जब भी कोई इंडिकेटर यूज करें, आप कम से कम दो इंडिकेटर यूज करें। तो मेरा जो पहला इंडिकेटर था, पहले मैं आपको वो बताता हूँ, वो था एडीएक्स, यानी कि डीएमएस जिसे हम कहते हैं, एडीएक्स डीएमएक्स दोनों कहते हैं, ठीक है। तो देखिये मैंने इसको कैसे यूज किया ये बताता हूँ। सबसे पहले आपको टाइमिंग बतानी पड़ेगी, वो बहुत जरूरी है। तो देखो, मैंने शॉर्ट सेल किया था 4242, यानी कि 4242 रुपए में मैंने शॉर्ट सेल किया और 4224 में मैंने बाय कर लिया। तो मैंने 18 पॉइंट की मूवमेंट जो थी वो ली थी इसके अंदर। अब मैंने ये कैसे पता लगाया कि 4224 पे ही स्टॉक जाएगा और बेचना 4242 पे ही है, ये चीज मुझे कैसे पता चली, चलिए ये चीज मैं आपको यहां पे शो करके दिखाता हूं। तो सबसे पहले जो ये टाइम देखेंगे 16:58, यानी कि 17 पे मैंने जो थी वो एंट्री ली थी। और अब मैं आपको बताता हूं कि ये 16:58 का टाइम जो है वो कितना था और उस टाइम स्टॉक का प्राइस क्या था। तो अगर आप पीछे आते हैं तो यहां पे कहीं है ना, यहां पे एक आप देखेंगे कि मैंने इस कैंडल पे तकरीबन, चलिए मैंने लाइन ड्रा कर दी है यहां पे, अगर आप यहां पे देखेंगे, चलिए मैं यहां पे आपको बताता हूं, यहां पे ठीक है 16:29 यहां पे मैंने एंट्री ली, 16:58 पे इस कैंडल पे मैंने कुछ एंट्री ली। अब इसके पीछे वजह क्या थी, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जो एडीएक्स की ब्लैक लाइन है वो हमारी जो ग्रीन वाली बुलिश लाइन थी उसको क्रॉस कर चुकी थी, उसके ऊपर आ चुकी थी। और मैंने अक्सर देखा है जब भी इसके अंदर ऐसा होता है, देखिए ब्लैक लाइन ऊपर गई तो स्टॉक जो है वो नीचे आना शुरू हो जाता है। अब मैं यहां पे आपको बताता हूं, अगर आप पीछे देखेंगे तो जब भी स्टॉक, आपको देखना होगा, मैं आपको ये 15 मिनट पे भी दिखाऊंगा, देखिए जब भी स्टॉक ऐसे ब्लैक लाइन ऊपर जाती है तो स्टॉक नीचे आता है, ब्लैक लाइन ऊपर जाती है स्टॉक टूटता है, हमेशा यही चीज होती आई थी। और यही चीज मैंने एक और नोटिस कर ली कि जो 15 मिनट का ट्रेंड है, क्योंकि 1 मिनट पे क्या होता है, हमारे साथ धोखा होने के चांसेस होते हैं, हमारा जो ट्रेंड होता है वो फॉलो नहीं होता है। यही चीज मैंने नोटिस की कि 15 मिनट में भी जो एडीएक्स है वो जो थी ऊपर आ चुकी थी, तो टूटने के बहुत ज्यादा चांसेस थे कि स्टॉक नीचे को ही टूटेगा। तो ये सबसे पहले नंबर वन पे मुझे रीजन जो है पता चला यहां पे, ठीक है, ये चीज मैंने नोटिस की, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। अब दूसरी चीज, मेरे को कंफर्म कैसे करना था कि ये 100% श्योर है कि ये ऐसा होगा, मैंने इसके साथ एक और इंडिकेटर यूज किया, वो था आरएसआई। देखिए यहां पे आरएसआई जो था वो भी यहां पे अगर आप 16:17:15 पे या 16:15 पे भी आप देखेंगे तो ये ओवरसोल्ड था और ये ऊपर की तरफ नहीं जा रहा था, एक ही तरफ मतलब एक ही लेवल पे टिका हुआ था। तो ये हमें बता रहा था कि भैया ये ऊपर नहीं जा रहा है, मार्केट ओवरसोल्ड हो चुकी है, अब ये गिरेगा ही गिरेगा नीचे। तो ये दो इंडिकेटर मैंने यूज किए जिन्होंने मुझे 100% बता दिया कि हाँ भैया यहां से गिर सकता है। देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्टॉक जो है वहीं पे ट्रेड करता रहता है, मतलब यहां पे काफी टाइम ट्रेड करता रहता है, नीचे नहीं आता है, एक बार हाई जाता है फिर नीचे आता है, तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। तो इसीलिए मैंने सिर्फ एक ही क्वांटिटी ली थी क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा था, ज्यादा लॉस तो नहीं होना था क्योंकि मैंने यहां पे ही कहीं स्टॉप लॉस रखा था अपना, तो वो तो नहीं होना था, लेकिन यहां पे जो चांसेस थे वो यहां पे हाई हो जाने थे कि अगर ऊपर गया तो बहुत ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, ठीक है। तो इस बेसिस पे मैंने एक ही क्वांटिटी ली, ठीक है। अब ये दो इंडिकेटर मैंने जो थे मेन
यूज किए। अब मैं आपको ये बताता हूं कि मुझे ये कैसे पता चला कि भैया ये जो है 1624 तक, 4224 पे जाएगा और यहाँ पे जो है यहाँ पे सेल करना है। तो 4242 का तो आपको पता चल गया मैंने सेल क्यों किया, इंडिकेटर के बेसिस पे। अब जो मेरे टारगेट थे वो कैसे बने, चलिए मैं वो भी आपको बताता हूँ। तो देखिए, मैंने वीडियो जब लाइव आपको बना के दिखाई थी तो मैंने बोला था पहला टारगेट इसका 39-31 के करीब बनता है। अब वो मैंने किस बेसिस पे देखा, चलिए मैं आपको यहाँ पे बताना की कोशिश करता हूं, है ना। यहाँ पे ये 20-36 है, पीछे चलते हैं थोड़ा, चलिए ये आ गए हम, एक मिनट दोस्तों, चलिए यहाँ पे है ना, यहाँ पे मैंने किया था 1659 पे। तो देखो एक चीज, सबसे पहले मैंने जो आपको बताया कि देखिए मार्केट वहां जाती है जहां पे सबकी सोच नहीं होती। तो अब अगर यहाँ पे किसी ने एंट्री ली होगी वो यहाँ पे ली होनी थी, यानी कि यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉसेस होने थे, है ना। यहाँ पे ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया हुआ है कि देखिए यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस होने थे, तो मार्केट ने उनको खाना था, क्योंकि यहाँ पे ना एक पीवीएट पॉइंट भी था 31 का। तो मेरे को ये पता था कि इसको तो ये मार्केट तोड़ेगी ही तोड़ेगी, और अगर इसको तोड़ती है तो मतलब एकदम से जो हमारी पिछली वाली सपोर्ट होती है मार्केट उसके पास ही जाएगी। तो इसको अगर मार्केट ने तोड़ा तो डेफिनेटली मार्केट यहां तक जरूर जाएगी, ये मुझे मालूम हो चुका था। तो इसीलिए मैंने 1624 1625 के करीब करीब अपना टारगेट लगा दिया और ये हिट हो गया। तो दोस्तों इसके पीछे मैंने फिर से आपको बताता हूं, पहला जो मुझे कंफर्मिटी मिली वो थी ADX, तीसरी RSI, और चौथी चीज जो थी वो यही था कि यहां से स्टॉक गिरना ही गिरना था। हिस्टोरिकल बेसिस पे जब भी स्टॉक एकदम से बूस्ट देता था तो ये नीचे गिरता ही गिरता था, ये चीज मैंने नोटिस कर ली थी। तो चलिए, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आ गया तो ठोको लाइक और वीडियो को करो शेयर, ताकि मैं अपनी सारी स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करता रहूं और आपके साथ इसी तरह नॉलेज जो है वो बांटता रहूं। मिलता हूं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर एंड लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।